नमस्कार, वी 24 तास में आपका स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर है कि अजीत दादा पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने शनिवार को ली थी और आज उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल आपको फ्लोर टेस्ट करना है, कल शाम तक आपको फ्लोर टेस्ट में साबित करना है कि आपके पास बहुमत है, इसके चलते जो राजनीतिक उठापटक फिलहाल हुई थी उसी के संदर्भ में आज उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक रितेश बोरकर जी, उनसे बात करते हैं कि क्या लग रहा है जो सिचुएशन महाराष्ट्र में चल रही है और आज अजीत दादा पवार को इस्तीफा देना पड़ा, क्या कहूंगे इस बारे में। महाराष्ट्र में जिस तरीके से 2-3 दिन से जब से मुख्यमंत्री ने शपथ ली है और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शपथ ली है, उस दिन से ही महाराष्ट्र में एक भूकंप सा छा गया था, जिसको लेके पूरे विधायकों को लेकर एक किडनैप जैसा बोलेंगे अपन, हर होटलों में रोका जा रहा है। शिवसेना बोलो, राष्ट्रवादी बोलो, कांग्रेस वाले बोलो, ये सभी जन अपने विधायकों को एक जगह में एक सीमित सीमा के अंदर बांध के रख रहे थे। लेकिन उसी तरह बीजेपी के कुछ विधायकों को देखा नहीं गया, लेकिन डर जो था वो सिर्फ तीनों पार्टियों में देखा गया, शिवसेना और कांग्रेस में। लेकिन आज का जो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि अजीत पवार ने इस्तीफा दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री पद से। और दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस को भी उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ऐसा भी सूत्रों द्वारा पता चल रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से कल 5 बजे तक समय दिया गया था कि कल 5 बजे तक फ्लो में तुमको अपनी बहुमत साबित करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं कि कल बहुमत में क्या होता है, क्या सिचुएशन बनती है। अभी आज रात भर का तो समय है, रात भर में क्या सिचुएशन तैयार होती है वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुमत साबित करना है तो अजीत दादा पवार ने इस्तीफा क्यों दिया? अगर उनके पास अगर आंकड़ा होता तो अजीत पवार को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अजीत पवार ने खुद अपने साथ जिस तरीके से बात है, मेरे साथ पूरे राष्ट्रवादी के आमदार मेरे साथ है, लेकिन शरद पवार ने जिस तरीके से उनको एक पार्टी से निकाल दिया गया, ऐसे चर्चा जो चली और लेकिन उसके बाद उन्हें पार्टी से तो इस्तीफा तो दिए नहीं अजीत पवार ने, लेकिन उनको मनाने की जो चल रही थी घर में आपसी मतभेद और पार्टी में मतभेद की जो चल रही थी, और अजीत पवार को एक महाराष्ट्र के एक बहुत बड़ा शरद पवार के बाद एक उनको बहुत बड़ा एक राजकारणी और एक चाणक्य की नीति समझा जाता है, क्योंकि जैसे शरद पवार दिल्ली में बैठते हैं तो वैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार का एक बहुत एक महत्व और एक उनका अस्तित्व बहुत बड़ा अच्छा है। उसको देखते हुए आज शरद पवार हो गए और भी नेता लोग शिवसेना के भी उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर राष्ट्रवादी में वो वापस आ जाते तो एक उनकी एक इमेज भी बच जाती थी, अगर वो नहीं आते तो एक उनके लिए एक बहुत बड़ा एक दाग भी लग जाता था, और उस दाग के कारण हो सकता कल जिस तरीके से बहुमत की बात आ रही थी वो बहुमत राष्ट्रवादी शिवसेना और कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा था, बीजेपी की तरफ नजर नहीं आ रहा था। अगर कल गलती से अगर ये बहुमत इन तीनों को मिलती तो अजीत पवार के ऊपर में एक राजकारणी में एक बहुत बड़ा दबाव और एक राजकारणी खत्म होने की भी शंका थी। बीजेपी कह रही थी कि हम बहुमत साबित कर देंगे और आज अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी क्या लगता है कि बीजेपी ने जो चीज़ जो चक्रव्यूह रचा था उसमें खुद उलझ गई? ये एक सबसे बड़ी बात है कि खुद चक्रव्यूह तो रचे थे, लेकिन इस चक्रव्यूह में तो वो तो फंस चुके हैं। मुख्यमंत्री पद लेके देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद लेके खुद तो फंस चुके हुए, वो भी एक ऐसे समय कि जो लोग उस समय सोए हुए थे, लोगों को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। कई लोग तो राष्ट्रवादी हो गए, कई आमदारों को ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जब लोग खुद उठे कि कई लोगों को तो हमने पूछे फ़ोन करके कि भैया राष्ट्रवादी बीजेपी के साथ सरकार बना रही है, तो लोग बोले हमको तो कुछ भी नहीं मालूम, वो तो खुद फोन कर रहे हैं। जब उनको पता चला तो खुद मुंबई रवाना हुए थोड़े 1-1.5 घंटे के बाद। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ये एक सबसे बड़ी राजनीति जो महाराष्ट्र में रची गई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से 6 महीने का जो राष्ट्रपति शासन जो लगा था इसको हटाने के लिए मैं कहते शरद पवार का बहुत बड़ा भूमिका नजर आ रही। जब शरद पवार अपने मोदी जी से मिलने गए थे, उनसे 40-45 मिनट की उनकी कुछ मुलाकात हुई थी, उसके बाद से ऐसा लग रहा है मेरे को कि 6 महीने की राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए कहीं हो सकता अजीत पवार को शरद पवार ने बोलेंगे आप हम राष्ट्रवादी बीजेपी को समर्थन करे करके इसलिए अजीत पवार को आगे भेजे, उसके बाद उनको वापस लाने की, एक मेरे को ऐसा लग रहा है एक राजनीति और एक चाणक्य की नीति कई शरद पवार ने खेले। शरद पवार तो खुले तौर पे कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये एक राज देखिए ये कैसा है, ये
अगर राष्ट्रपति शासन अगर रोकना था तो उसका इलाज यही था कि किसी न तरीके से उनको एक समर्थन दो और वापस ले लो, लेकिन उनके साथ सिर्फ अजीत पवार गए, उनके साथ एक ही आमदार गया, उसके बाद ऐसा कुछ भी नजर नहीं है। राष्ट्रपति शासन हटाना ही था तो वो कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी अगर सरकार गठन करती तो भी राष्ट्रपति शासन हट जाता। सभी को पता है जितने दिन से चल रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी को समय दिया गया था, उस समय शिवसेना का जो समर्थन का जब समय आया तो उनके पास समर्थन के लिए जब समय था, वो दूसरे दिन ही अपने एक उनकी पूरी योजना तैयार हो चुकी थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना को कैसे किस तरीके से पद और किस किस से डिवाइडेशन करना चाहिए ये उनकी तैयारी होगी। लेकिन उस तैयारी के सुबह ही मॉर्निंग को ही राष्ट्रपति शासन 5 बजे हट गया। उसके बाद में 8 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण ले लिए, उप मुख्यमंत्री का अजीत पवार ने ले लिए। ये तो एक एक लोगों को तो शॉक थी उस दिन थी, जबकि उसी मॉर्निंग को यानी उसी दिन इन लोग अपनी सरकार बनाने की पूरी तैयारी और योजना बन चुकी थी। अभी की बड़ी खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस्तीफा दे दे, ये अभी 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 इस वक्त की बड़ी खबर है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी इस दौरान अपना इस्तीफा दे दे। तो ये जो पूरा चक्र भी फिलहाल बीजेपी ने रचा था एनसीपी को तोड़ने का, उसमें वो फिलहाल सफलता नहीं पाई है। और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल आपको फ्लोर टेस्ट करना है, फ्लोर टेस्ट से पहले ही बीजेपी घबरा गई है और अजीत दादा पवार ने खुद इस्तीफा दे दिया है, इन्होंने अपना मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। अब मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं या नहीं ये देखना होगा। अब तक की जो अपडेट्स आ रही है वो अपडेट यही है कि 3:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये अभी की बड़ी खबर थी। इस तरह से जुड़ते ही अपडेट के लिए हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। देखने के लिए नमस्कार, धन्यवाद।